मत कर बूझो, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ, बूझो दर्द। बिंदिया, उसका नाम है धानी। इसका नाम धानी और धानी है। इसका मतलब जो इससे पहले वाले सीजन इस पे ही फल आने लग गए और इनका भी अब। सो हेलो एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं सिर्फ ऐसा कुछ आपको कहीं लेके नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आपको जहाँ पे मैं हूँ मैं अपने चारों तरफ का आपको सराउंडिंग्स दिखाऊंगा। तो देखिए, पहाड़ों के लोग पहाड़ों को इतना प्यार क्यों करते हैं, आपको सारे के सारे आंसर्स इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी देखिए आज के ब्लॉग। तो ये दोस्तों हमारी गाय, इसका नाम क्या? वहाँ से इसका नाम माया। इसका नाम है माया। इसको हो चुके हैं आपके अप्रॉक्स 2 ईयर्स, 2 साल इसको वैसे हो चुके हैं, और इसको बच्चा दिए हुए हो चुके हैं 1 महीना। ये इसका बच्चा है। इसका नाम है बिंदिया। इसका नाम है बिंदिया। इसका नाम है धानी। इसका नाम धानी और धानी है इसकी बच्ची। इसका नाम क्या मौसी? इसका नाम सावरी। ये सारे नाम मौसी ने दे रखे हैं इनको, प्यारे प्यारे मौसी, प्यारे प्यारे से जान रहा हूं। और ये हमारी मासी जी। मासी जी बहुत मेहनती, बहुत मेहनती कर्मठ जुझारू गायों की साफ सफाई करते हुए हमारी मौसी है। हाँ, इनके लिए चाहिए धुआं में कपूर और नीम के पत्ते, जिसके धुआं से मक्खियां नहीं आएंगे, मच्छर नहीं आएंगे और ये बीमार नहीं होंगे। और इनको बीमार होने से पहले ही इनकी देखभाल अच्छे से की जाती है। ये मतलब एक टाइम पे जैसे एक दिन में 3 बार दूध देती है गाय ना, तो ये एक टाइम पे 6 लीटर देती है और ये देती है एक टाइम पे 5 लीटर। मेहनत लगती है, हरा घास सूखा घास सब चाहिए होता है, दाना पानी। तीन टाइम दाना चाहिए सुबह दूध निकालने के बाद एक एक डेगची दाना, उसके बाद दिन में दूध निकालने के बाद एक एक डेगची में, बड़े डेगची में दाना, फिर शाम को दूध निकालने के बाद फिर इतने इतने बड़े बड़े बर्तन में फिर इनको डाला देना है कपिला पशु आहार। मौसी उसका वो भी कर दे रही है ऐड, प्रमोशन कर दे रही है मौसी। बाकी ये है सिंधी का बछड़ा है, ये जैसे आपके इसके बड़े बड़े कान और इसका वो देख लूँ ना आगे का चेहरा, तो ये सिंधी का है। बाकी मौसी ये किस चीज़ का बछड़ा है? ये गिर का बच्चा है, जो गिर गाय होती है ना ये उस ब्रीड से है ये, और ये सिंधी का है। बाकी अब पहाड़ों में भी अच्छी ब्रीड आने लग गई है, लोग बाग खुद ही यहाँ की लोकल ब्रीड्स को प्योर करते करते मतलब इम्प्रूव करते करते और अच्छी अच्छी ब्रीड तैयार हो रही है। छोटी गायों को इंजेक्शन लगा के अच्छी नस्ल के बच्चे को वो किया जाता है। उसके बाद ये तो मैंने शौक से पाल रखा था गाय, पर शौक से पालते पालते इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी हो जाता है, इनके साथ टाइम पास भी हो जाता है और इनके साथ बातचीत भी हो जाती है, दिन भर में अच्छा टाइम निकल जाता है। और गाय पालने से फ़ायदे भी हैं, दिन भर गाय के बदन में इस तरह से हाथ तुम 10 मिनट फैलाओ तो तुम्हारा बीपी डाउन होता है, बीपी कंट्रोल होता है, इस तरह से गायों को सहलाते रहो। और गाय को आप जितना प्यार दोगे ना तो गाय भी इन रिटर्न आपको उतना ही प्यार करती है, प्यार भी देती है और इनमें नुकसान भी नहीं है कोई। तो दोस्तों ये अपना सबसे पुराना दोस्त, ये आम का पेड़ है और इतना बड़ा है ना, इसको करीबन हो चुके होंगे यार अप्रॉक्स अंदाजा ही लगा सकता हूँ मैं, बाकी इतना कुछ अपने को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जितना भी जानते हैं तो इस पेड़ की जो चौड़ाई दिख रही है ना आपको तो उससे इसकी एज का पता चलेगा। तो इसकी चौड़ाई यहाँ से देख लीजिए, तो इसकी एज अप्रॉक्स कम से कम भी मानेंगे तो हम आपका 250 to 300 ईयर्स, 300 साल तो हो चुके होंगे इस पेड़ को। तो इसी सिंगल पेड़ में इतने आम लगते हैं ना दोस्तों, अभी तो इसकी टहनियाँ थोड़ी काट दी हैं ताकि कभी हवा से गिरती हैं सूख जाती है, पुरानी हो जाती हैं, तो उससे थोड़ा घरों को डैमेज आता है और लोगों के लिए भी थोड़ा खतरा हो तो काट रखी हैं। और इस पे लगे हुए हैं आम, और इस पेड़ पे इतने आम लगते हैं ना करीबन 5-6 पेड़ मतलब एक साथ लगा लो, ये एक सिंगल पेड़ में 5-6 पेड़ के बराबर लगते हैं। ये आ चुकी है अपनी गुजड़ी, तो अपने पास कुछ बकरियाँ भी हैं और इसके बच्चे हैं दोनों, ज़्यादा नहीं ऐसे ही पाल रखे हैं खाली उसके लिए, अच्छा लगता है ना घर पे हर चीज़ होनी चाहिए। और इसके अंदर रखें मुर्गियाँ, तो इन्हें भी देखते हैं। तो इसके अंदर हमने रखी मुर्गियाँ सुबह सुबह फ्रेश एग्स के लिए, बाकी ये अभी छोटे हैं, अभी इतने बड़े नहीं हैं, ये देती है अंडा ये बड़ी वाली जो है। और
इनमें दो हैं, एक मेल और एक फीमेल है। तो ये देख लीजिए, ये फीमेल है, ये देती है अंडा, बाकी ये मेल है। और ये लास्ट वाला, तो ये है दोस्तों बूजो। इसके बाकी आप लोगों ने मेरे चैनल पे थोड़े वो देखे होंगे, मेरे चैनल पे आप लोगों ने इसके वीडियोस देखे होंगे जब भी छोटा था। अभी हो चुका है आपके, इसको 4 मंथ्स हो चुके हैं, 4 मंथ्स का है। ये भूटिया मिक्स डॉग है। बाकी इसकी टेल देखो, एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया है, पहले पूरा ब्लैक सा था, तो अब धीरे धीरे इसके पीछे से पूंछ पे जो बाल है ना वो ब्राउन होने लगे, और इसकी पूंछ भी और बड़ी हो चुकी है। तो ये अपना बच्चा है, ये इसको मैंने पाला है 25 डेज से, जब ये 25 डेज का था ना तब से मेरे पास है। मैं इसके बाकी वीडियोस भी डालूँगा। ये एकदम ब्लैक पैंथर की तरह लगता है ना, बहुत ही शानदार लगता है, मस्सा। बाकी मैंने तो बच्चे की तरह पाला है, मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगता है पूरा ब्लैक। ये अपनी रॉक्सू, रॉक्सू हो चुके आपके 2 ईयर्स। हाँ, ये लेब्रा, लेब्रा है, बहुत ही प्यारी सी है यार ना। तो बुरा बच्चों की तरह, वो देखो पागल हो रखा है, वो कैसे पागल हो रखा है। अब इसको भी परेशान करने आ गया है, इसको चैन लगा दो। ये देखो इसकी हरकत है, देखो मुझे दर्द हो रहा है। तो दोस्तों अपने आप विविधता बहुत सारी चीज़ों की है। तो यह है पपीता, इससे पहले वाले सीजन में जो इसमें लगे थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं पपीते, बाकी नए फ्लावर्स आ चुके हैं ऊपर। और ये इसका ट्विन ब्रदर सिस्टर जो भी है। और ये है दोस्तों, ये है लीची, इनका भी अब पूरा हो चुका है समय, ये रेड होने लग गए, देख सकते हो, अब कुछ समय बाद पक जाएंगे। और बाकी ये अमरूद का पेड़ है, और इस पर भी आप देख रहे होगे ना, इस पर भी फल आने लग गए, ऑलमोस्ट हर चीज़ पे अभी फल आने लग गए। तो दोस्तों ये है माल्टा, माल्टा होता है आपका नारंगी का बड़ा भाई, थोड़े बड़े से होते हैं नारंगी से और थोड़े ज़्यादा जूसी होते हैं। इस बार थोड़ा बरसात गलत टाइम पे हुई ना, हवा भी बहुत चली तो उसके थोड़े फल गिर गए हैं। और ये है आम का पेड़, आम में भी इस बार फल अच्छे आ रहे हैं क्योंकि बरसात हुई ना इस बार, तो इन्हों में जूस भी बड़े बहुत प्यारा सा हो जाएगा। और ये है अपना चूक का पेड़ दोस्तों, ये भी सेम नारंगी माल्टा की तरह ही होते हैं, बाकी उनसे थोड़े बड़े होते हैं और खट्टे रहते हैं, इनमें मिठास नहीं होती है। और ये वाला फूल मेरे को बड़ा प्यारा सा लगता है ना, इसके फूल ऐसे लगते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल हाथों से बना के रखे टाइप के ना, एकदम प्यारे से ऑरेंज, मतलब कलर ही इसका बहुत यूनिक सा कलर है। बाकी पिंक फ्लास, और यहाँ से ऊपर हैं दोस्तों, ये हैं अमरूद के पेड़, तो बगीचा सा है अमरूद का, अमरूद 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 आम। और तो ये है स्ट्रॉबेरीज, में स्ट्रॉबेरीज लगे हुए हैं, फूल फूल लग चुके हैं अभी स्ट्रॉबेरीज, लेकिन अभी इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी ये कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, यहाँ पे धनिया है, मिर्ची के पौधे हैं, फूल है, और ये ऐसे ही मतलब थोड़ी सी जगह बची हुई थी तो यहीं पर ही क्यारी बना दी है एक प्यारी से। और ये लकड़ी का स्टॉक है, ये पूरे विंटर में काम आएगा अभी, बाकी वो भी स्टॉक है लकड़ियों का, कोई भी रखे हुए हैं। और इस साइड को यहाँ पे भूल रखे हैं धनिया, ये है धनिया, और ये है पुदीना, और ये करेले का भी पेड़ पौधा है, करेले होते हैं ना बीटर गार्ड, उसका पौधा। और ये लौकी का है, अभी लगा रखे हैं, अभी कुछ टाइम बाद ही फुल ग्रोन अप हो जाएंगे तो पूरा इस पेड़ को ढक देंगे। हरियाली दोस्तों। और ये है दोस्तों कपास का पौधा, जिससे दिया ही बनाते ना कॉटन, तो ये कपास का पौधा है। इसके फूल देखो ना, बहुत ही प्यारे से लगते हैं इसके फूल भी, घरों में मंदिरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसी से हम लोग बत्ती बनाते हैं जो भी दिए की होती है, बाकी इसको प्योर माना जाता है। और यहाँ पे हैं ये बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, ये भी एक दो महीने में रेडी हो जाएगी। और ये भी करेला है, इसमें लगने लग गए करेले,
करेले का माजा, और यह है आपकी चरी घास जानवरों के लिए। और ये घास के जितने भी लगा रखे ना, फिर आपको यहाँ घास या फल फ्रूट के दिखेंगे, क्योंकि घास का जानवरों के लिए इस्तेमाल हो जाता है और फल फ्रूट आदमियों के काम आ जाते हैं खाने के ना। और ये रहा, ये तो मक्के के पौधे लगे हुए हैं और इस पर बड़ा सा लग भी गया है ना, अभी बो रखा है वैसे मक्का, लेकिन ये दोनों पैसे बीज छूट के होंगे तो लग गए होंगे, और इस पर भी इस बार ठीक ठाक ही लगे हैं यार ना। और इसके अंदर है, ये है कागजी नींबू का पौधा। कागजी नींबू बोले तो हाइब्रिडेड नींबू, तो इसके अंदर है ये लगे हुए। तो ये दोस्तों, ये तिमले का पेड़ है, इसको इसका इस्तेमाल होता है, ये पकते हैं तो इनको खाते भी हैं, जो रेड से हो जाते हैं, जब ये रेड से हो जाते हैं तब इनको खाते भी हैं, बाकी इनकी चटनी बनाते हैं और जानवरों के लिए घास के काम आता है ये। और यहाँ पे लगे हैं दो माल्टे के पेड़ हैं, लेकिन इनमें फल नहीं लगा इस बार बिल्कुल भी, एक भी दाना नहीं लगा। और ये है आड़ू, रेडी होने लग गए यार ये। तो दोस्तों ये पक चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए अंदर से लाल से हो चुके हैं। तो एक दो मैं तोड़ लेता हूँ और खाने के लिए, बाकी इस बार इनमें लगे नहीं यार ये बिल्कुल भी फल ना। और ये पूरी चरी घास है, जितनी भी आपको दिख रही है ना, इसको चरी बोलते हैं, जानवरों को खिलाते हैं इसको। और यहाँ भी कुछ बोरक है, यहाँ पे आपका मिर्च है, बैगन है, और ये देख लीजिए बैगन के पौधे कितने बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे ये मिर्च, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, बड़े हो चुके हैं। और ये जो दिख रही है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं हमारे निंगला, बाकी ये बांस का छोटा भाई हुआ, सेम बांस की तरह होते हैं लेकिन थोड़े पतले से होते हैं। इसका घास के काम भी आता है, बाकी इससे छत भी बनते हैं, बाकी जो भी बास्केट वास्केट हैंडीक्राफ्ट आइटम बनते हैं ना, रोटी रखने वाले बास्केट, घास रखने वाले बास्केट, तो इनसे वो भी तैयार होते हैं, मतलब इनसे तुम कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। और यहाँ पर बुरी की पूरी अदरक है इसके अंदर, उड़ने लग गया वो, आपको नीचे दिखेगा वो पूरी बांस की झाड़ियाँ हैं ये, मतलब ये सबसे ज़्यादा काम आती है बांस, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ में। तो ये और क्या बीन्स, हाँ तो ये बीन्स अब रेडी हो चुके हैं खाने के लिए, पूरे खेत में बीन्स बीन्स बीन्स। और ये है आपका चौलाई, ये भी राई की तरह बनाते हैं एकदम सूखा सा। और ये करेले हैं, और ये है भिंडी, अब भिंडी भी लगने लगी है। और यहाँ से देख लीजिए ना चारों तरफ का व्यू, और ये अदरक, अदरक रेडी हो चुकी है, एक दो महीने में रेडी हो जाएगी, बड़े से हो चुके हैं इसके भी पौधे। बाकी देख लो ना दोस्तों, हरियाली हरियाली चारों तरफ, पेड़ पौधे। और ये जो आपको सामने आम का पेड़ दिख रहा है ना, तो सबसे अच्छे आम यहीं पर ही होते हैं इसी पेड़ में। इस आम की खुशबू भी इतनी प्यारी सी रहती ना कि आप खाली सूंघ लो काम हो जाएगा। बाकी वो भी आम के पेड़, ये भी आम के पेड़, और यहाँ घास के पेड़ लगा रखे हैं सारे, बीन्स का खेत। इस पे जो फ्रूट लगता है उसको पिड़ाव बोलते हैं, ज़मीन के नीचे लगता है इसका फ्रूट, और शहरों में मतलब शहरी भाषा में उसको अरबी कहा जाता है, तो इसके नीचे अरबी मतलब ये अरबी का पौधा है। और दोस्तों ये काउडंक, ऐसे करके इसका ढेर लगा दिया जाता है और खाद के काम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, खेत के आसपास ही फेंकते हैं तो इजी भी हो जाता है इसको स्प्रेड करने में। और यहाँ पे बुरकी है राई, जमना स्टार्ट हो रही है इसमें, कुछ पौधे हैं आपको आलू के भी दिख जाएंगे जो छूट रखे हैं ना, ये आलू के पौधे हैं। बाकी राई, लौकी का पौधा, ये अरबी के, और ये है एलोवेरा, ऐसा और क्या एलोवेरा भी।